के खिलाफ है और एनडीए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो ऐतिहासिक फैसला, जो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मैं सुनते आए। पर सर, आज सही मायनों में अगर देश को अखंड एकता में जोड़ा गया है, अगर अखंड भारत को सही मायनों में अस्तित्व दिया है, तो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक डोर में बांधा गया है। सर, आज तक हमें यही कहने की जरूरत क्यों पड़ती थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? मैंने आज तक सर कभी नहीं सुना कि हमने बोला हो कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, या राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है, या तमिलनाडु या केरला भारत का अभिन्न अंग है, या उत्तर प्रदेश या बिहार भारत का अभिन्न अंग है। निरंतर हमको इस बात को कहने की जरूरत पड़ी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि हमने खुद कश्मीर को एक धारा देकर, 370 देकर हमने कश्मीर को पूरे देश से अलग करके रखा। उनके अपने विशेषाधिकार रहे, उनके अपने तौर तरीके अलग रहे, और आज जब उसको सही मायनों में सर इस धारा को हटाने से आज सही मायनों में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा बना है। इसीलिए सर आज मुझे खुशी होती है, खुशी होती है कि सर जब हम लोगों के ऊपर आज तक ये आरोप लगते रहे कि भैया ये तो जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, और आज हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा आपने उसको पूरा कर दिया। आज पहली बार विपक्ष के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि हम लोगों ने चुनाव के वक्त जो जो वादे किए थे, जो जो बातें की थी, उसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आज जिन बातों को कहा, खुद मैंने उनको वहां पर रहकर महसूस किया सर। जब मैं जाता था मुझे दुख होता था, जब मैं अपनी उम्र के लड़कों के हाथ में पत्थर देखता था, जब मैं उनको स्टोन पेल्टर्स कहकर जब उनको अपमानित किया जाता था, उस वक्त मेरे मन में ये विषय उठते थे कि क्यों आज के इस युवा के हाथ में किताबों की जगह पत्थर पकड़ने की जरूरत पड़ी। पर सर, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, बल्कि हमारे वहां के युवा जो कभी ना कभी भ्रमित होते हैं, उनके लिए जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करेंगे। इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर जो विकास की राह से भटका हुआ था, इतनी खूबसूरत जगह, इतने खूबसूरत वहां के लोग, पर आज भी जब पर्यटक वहां पर जाते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर का भाव होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से जम्मू कश्मीर जो इतने लंबे समय से विकास की राह से अछूता रहा है, वो विकास की राह से जुड़ेगा। लद्दाख जो इतनी खूबसूरत जगह है, उसको एक अपनी अलग पहचान मिली है। अलग यूटी बनने के बाद लद्दाख की भी जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में हमारी सरकार के इस फैसले में उसमें एक बड़ा हाथ होगा। और सर, आतंकवाद जिससे लंबे समय से वो क्षेत्र ग्रसित रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी जैसे सक्षम व्यक्ति जब उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग अंकुश लगाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। अंत में सर, मैं पुनः इस फैसले पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं, और मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को ढेर सारी बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर शशि थरूर साहब।